So good morning everyone, welcome once again to the Commodity Gurukul session. So today we'll be covering the topic, is it the right time to invest in gold? As I mentioned earlier also, gold is trading at a very attractive levels currently. It has corrected 20% from the all-time high. So the question arises in everyone's mind, is the one and the same, whether this is the right price to invest in gold? So we'll answer your queries today through our Commodity Gurukul session, whether this is the right time to invest in gold. The session will be presented by Mr. Jigar Trivedi, who is our non-agro fundamental analyst. So Jigar, all yours, please go ahead. Thank you, Pinkesh. Good morning, everybody. Jaisa ki Pinkesh ne bataya, main wapis se ek baar phir bhi repeat kar do. I welcome you all on behalf of Anand Rathi Commodity Research. Gurukul ka ye ek naya ek session hai. पिछले महीने ही हमने गोल्ड पे एक बार बात कर ली थी, लेकिन फिर भी इन दिनों फ्रेंड्स ऑफिस से भी क्वेरी आ रही थी और अहमदाबाद में हमारा एक सपोर्ट टीम भी है. सो मैडम यहाँ पे है, मैंने देख लिया है. सो शी आल्सो इंक्वायर्ड, मुझे फ़ोन आया एक कि जिगर जी 55,000-56,000 के आसपास के आसपास गोल्ड था, अभी 45,000-46,000 के आसपास है, तो लेना चाहिए क्या? और पूछा कि भर भर के लेना चाहिए क्या? तो फिर मैंने हमारे साथ जो सीनियर यहाँ पे है ओपी जी, ओम प्रकाश जी, उनसे मैंने बात की कि ओम प्रकाश जी ऐसी बातें आ रही है, क्या आप बोल रहे हो, कंफर्टेबल है क्या? जो लोगों ने 55,000-56,000 का भाव स्क्रीन में देखा था, वो लोग आज पूछ रहे हैं कि चाहे 45,000-46,000 क्यों ना हो, ले सकते हैं क्या? सो फिर सोचा कि ये एक इस पर एक सेशन करना चाहिए. सो हियर वी आर. सो इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? सो एज आई सेड, फ्रॉम ऑल टाइम हाईज 19 to 20% का फॉल यहाँ पे हमने देखा हुआ है. सो दिस इज अ गुड करेक्शन, हेल्दी करेक्शन, एंड वी ऑल नो द फंडामेंटल्स आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आई विल गो थ्रू द फंडामेंटल्स वेरी क्विकली. सो इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? सो लेट अस लुक इनटू द करंट मार्केट डेवलपमेंट्स. अभी दो ढाई महीने में MCX में या इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में क्या हुआ है, तो लेट अस लुक इनटू दैट. फ्रेंड्स, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसा कि मैंने बताया, ईयर टू डेट MCX हो या दूसरी और इंटरनेशनल कमोडिटीज हो, ये परफॉर्मेंस है उस चार्ट, ये दिखा रहा है. बॉटम में जो है द टॉप लूजर इज गोल्ड, कॉमेक्स गोल्ड, विच हैज लॉस्ट अराउंड 10% दिस ईयर. अदरवाइज अगर हम बाकी कोई भी कमोडिटी ले ले, WTI क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, या तो फिर सिबॉट सोयाबीन ऑयल ले ले, LME कॉपर ले ले, या फिर कॉर्न, कॉटन, स्टील रीबार, एल्यूमिनियम, इनफैक्ट ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स हो, या ब्लूमबर्ग इंडस्ट्रियल मेटल्स इंडेक्स हो, या ब्लूमबर्ग एग्रीकल्चरल इंडेक्स हो, हर एक में हमने इस साल 2.5 months में एक रैली देखी थी, अ वाइड स्प्रेड रैली अक्रॉस द कमोडिटी मार्केट्स इन द फर्स्ट 2.5 months इन 2021 वी हैव सीन एज बुलिश टेल विंड्स स्वेप्ट थ्रू मैनी फाइनेंशियल मार्केट्स. ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो एक सीवियर वेदर, सीवियर हमने विंटर का एक सेशन भी देख लिया, एंड जो टेक्सास में प्रोडक्शन हिट हुआ था, जिसकी वजह से हमने एक शार्प रैली देखी थी, अराउंड 35% ऑयल हैज गेन्ड दिस ईयर, एटलीस्ट इन 2.5 months. बेस मेटल्स, चाइना से जो डिमांड रिकवरी हुई है, स्पेशली आफ्टर द लूनर न्यू ईयर, वी हैव सीन सेंटीमेंट हैज बीन पॉजिटिव. एंड फ्रेंड्स, माइंड वेल, डॉलर इंडेक्स में हमने तेजी देखी थी, 3.5% की रैली देखने के बावजूद हमने कमोडिटीज में रैली देखी है. एक्सेप्शन जो रहा है वो गोल्ड रहा है. ऑफ कोर्स सिल्वर हैज आल्सो बीन देयर, बट द टॉप लूजर इज गोल्ड. गोल्ड इट हैज एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ अराउंड 9%, रिफ्लेक्टिंग अ रिवर्सल ऑफ सेफ हेवन बाइंग. सो विल डिस्कस दैट. सेफ हेवन बाइंग में हमने एक शार्प फॉल देखा है इन दिनों. मेजर ड्राइवर वॉज एन एक्सपेक्टेशन दैट दिस ईयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज कोविड प्रॉब्लम्स रिसीड, सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स प्रेस हार्ड ऑन द एक्सेलरेटर. हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि जो बाइडेन US एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो $1.9 trillion रिलीफ पैकेज की जो प्रॉमिस दी हुई थी, वो अभी बिल बन चुकी है, वो भी लॉ बन चुका है, आने वाले दिनों में वो भी रिलीज हो जाएगा. एंड फ्रेंड्स, माइंड वेल, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज गिवन अ क्लियर सिग्नल आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ दिस लॉ. जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रिपेयरिंग फॉर $2 trillion infrastructure spending plan, and they will announce anytime during the month end or the next month first week also, depending upon the procedural delays. But
market will be flooded with stimulus packages and market will continue to have a plenty of liquidity in the system. पहले एक या दो महीनों में हमने ये क्या देखा कि एक राइजिंग यील्ड्स यूएस में 10 ईयर ट्रेजरीज जो थे वो यील्ड बढ़ चुके थे, डॉलर में हमने रैली देखी थी जिसका प्रेशर आया था गोल्ड पे एंड गोल्ड हैज वीकेंड. ऑल दिस ट्रेंड कंटिन्यूड इन फेब्रुवरी आल्सो. इन फेब्रुवरी इटसेल्फ हमने देखा है कि इंटरनेशनल डॉलर टर्म्स में गोल्ड में हमने 7% का फॉल देखा था. So yes, it's been a disappointing start for gold 2021. So ye pura jo chart jo hai usme jo main humne bataya ki jo ek top loser jo hai gold uske bare mein hum aaj baat karne wale hai. It has been a disappointing year 2021. Numbers ki thodi main baat kar lo yahan pe. So just this Monday itself we have seen COMEX gold touching 1676, the lowest since June 2020. Agar main ऑल टाइम हाई 2075 डॉलर्स की बात करूं जो अगस्त 2020 में हुआ था, वहां से लेके अब तक अराउंड 400 और यहां से वहां से लेके अब तक 400 डॉलर्स का फॉल देख लिया है, अप्रोक्स 19% का फॉल देख लिया है. एट द सेम टाइम वी हैव सीन डॉलर इंडेक्स रैलिंग बाय अराउंड 3.3% ईयर टू डेट. सेफ हेवन डिमांड जो है वो 11% से हमने यहाँ पे एक लिक्विडेशन देखा है. And US Treasury yields, जिसकी मैं बात करूंगा आगे जाके, it has reached around one year high, 1.6263. कल के सेशन में जो हाई गया था वो 1.64 था फ्रेंड्स, and it closed around 1.62. जैसा कि मैंने बताया, जो बाइडेन has signed $1.9 trillion COVID relief bill, clearing the way for stimulus checks and vaccine aid. फेड ने वंस अगेन एक बार अपना जो स्टैंड है वो वापस से क्लियर किया है. फेड ने फ्रेंड्स लास्ट सितंबर में दो चीजें बोली थी, नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स थ्रू 2023 अंटिल यूएस इकोनॉमी गेट्स बैक टू इट्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एंड 2% ऑफ इन्फ्लेशन. इंटरेस्ट रेट्स जो आज 0 to 0.25 की रेंज में है, ऑल टाइम लो है. फेड हैज सेड दे आर नॉट गोइंग टू टच द इंटरेस्ट रेट्स अनलेस द इकोनॉमी गेट्स बैक to the full employment and the inflation rises about 2%. If it overshoots, it's okay with Fed. Aur dusra step jo Fed ne liya hua hai jiski wajah se aaj jo balance sheet jo hai Fed ki wo 7.6 trillion dollars ki jo all time high pe hai wo hai. Fed has said they are going to buy $80 billion of treasury and $40 billion of mortgage backed securities every month, and that is the reason why we saw a fall in dollar last year. But these are the stands by Fed. Growing concerns of inflation. Inflation is going to increase going ahead, and that is going to be really negative for gold. How? That I will explain in next slide. जैसा कि मैंने बताया, डॉलर इंडेक्स हैज रिकवर्ड बाय नियरली 3.2% दिस ईयर. ये जनवरी फरवरी मार्च का जो एक बाउंस आया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ सब 90, इट टच द लो ऑफ अराउंड 89.6 और 89.7. फ्रॉम देयर वी हैव सीन अ वेरी a structural higher top higher bottom, and now prices are trading around 91.7 91.5. friends, in dino jo economic data aaye the, US ISM manufacturing PMI for February, it expanded at the fastest pace in 3 years. February ka jo figure aaya tha manufacturing PMI, it stood at 60.8 against 58.7 a month ago. So that is positive for dollar. Weekly jobless claims, ये latest number है. It fell from 9,27,000 as on January 8 to the latest reading of 7,12,000 as on 6 March. Again, jobless claims have fallen, which is a good positive for dollar. Non-farm payrolls for February, it rose through 3,79,000 from negative 3,09,000 in December. Again, that is positive. And last is consumer confidence, very important. So it was around 87 in December, and it has grown to 91.3 recently in February. So all these four reasons were sufficient to provide some fire in the belly of dollar, and that's why we have seen 3% rally in dollar. This was one of the reasons. The other reason why the dollar has rallied, I'll continue in next slide. इन दिनों हम 10-year bond yield के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं फ्रेंड्स. 10-year bond yield क्या है, पहले हम ये जान ले सेफ हेवन एसेट क्लास के तौर पे गोल्ड बॉन्ड एंड डॉलर, इन तीनों का सेफ हेवन एसेट क्लासेस के तौर पे माना जाता है. जब भी इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है, गोल्ड 10-year bond yield, 10-year bond और डॉलर में हम यहाँ पे रैली देखते हैं फ्रेंड्स. इवन इन दिस
10-year bonds, that is the safest asset class in the world as of today. जाहिर सी बात है, अगर इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, डॉलर अपने आप गेन कर रहा है, इक्विटीज में हम रैली देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली गोल्ड बॉन्ड एंड डॉलर में से फ्लो निकलेगा. स्पेशली गोल्ड एंड बॉन्ड में से एक बार फ्लो निकल जाएगा एंड वो पैसा जाएगा इक्विटीज में, जो रिस्की एसेट्स है, जहां पर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है. एंड दैट्स व्हाई बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड इनका इनवर्स कोरिलेशन है. जब भी इकोनॉमी अपने पैरों पे चलने वाली होगी तब बॉन्ड यील्ड रैली करेगा. लास्ट ईयर वी हैव सीन फ्रॉम द हाइज ऑफ 3% बॉन्ड यील्ड फेल टू इवन द 0.5 बिकॉज ऑफ द क्रैश इन द इक्विटीज एंड देयर वाज अ फियर ऑफ रिसेशन. एंड नाउ विद द आर्टिफिशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द फेड और द गवर्नमेंट्स, वेरियस गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, नाउ वी आर सीइंग अ रैली इन बॉन्ड यील्ड्स. It is expected कि आगे जाके bond yield जो है वो 2% भी हो सकता है. Growing inflation concerns are trigger for recent downtrend in gold, particularly despite the fact that gold is actually considered as a traditional inflation protection. Friends, the expectation of a higher prices, जैसा कि मैंने first slide में बताया था, WTI oil 35% rally की है, LME copper में हमने 15% rally देखी हुई है, seaborne soybean has rallied by around 30%. And to name a few more, I'll go to the first slide. Cotton hai, corn hai, platinum hai, aluminium, steel, riba, commodities. Commodities ki jo prices hai, wo badh rahi hai, friends. Toh isse hoga kya? Kya correlation hai? Commodities ki price badhegi, jo bhi manufacturing aur transportation ya toh phir industrial companies hogi, unki input cost badh jayegi. Input cost badhegi, ultimately wo pressure aayega customers pe. Inflation badh jayega. Fed ka पहला जो एक टारगेट है, इन्फ्लेशन हैज टू रिमेन स्टेडी अबाउट 2%. फेब्रुआरी इन्फ्लेशन वाज एट 1.7%. फ्रेंड्स, इट रोज फ्रॉम 1.4% इन जनवरी, इट रोज टू 1.7 इन फेब्रुआरी. अगर कमोडिटीज इतनी बढ़ रही है ड्रास्टिकली, 30% 35% की रैली आ रही है, इट इज बट ऑब्वियस इन्फ्लेशन इज गोइंग टू स्पाइक. Fed is comfortable if inflation goes above 2%, if it overshoots. Market ye anticipate karke chal raha hai ab ki agar commodity ki prices badh rahi hai, barring few gold, silver, nickel, agar overall commodities ki prices badh rahi hai to aage jaake inflation bhi badhega. Inflation badhega 2% ke upar, sustain karega to Fed shayad soch sakta hai interest rates badhane ke liye. फेड का जो स्टैंड है कि 2023 तक वो इंटरेस्ट रेट्स को टच नहीं करेंगे. रिसेंटली जेरेमी पावेल हो या जेनेट येलन की तरफ से ये स्टेटमेंट्स दिए गए थे, दे आर नॉट गोइंग टू टच इंटरेस्ट रेट्स एनी टाइम सून. अब ये बोले हुए ऑलरेडी एक साल हो चुका है मोर ऑर लेस, एंड प्राइसेस आर इंप्रूविंग, द इकोनॉमीज आर इंप्रूविंग अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूएस. तो अब क्या हो रहा है, मार्केट इज एक्सपेक्टिंग फेड माइट increase interest rates not in 2023 or beyond, even before that 2022 also, only because of rise in commodities which is leading to inflation, rise in inflation. Agar inflation badh gaya to Fed shayad apni jo formula hai, ho sakta hai wo revisit kare. Yahi reason hai ke people are expecting economy to improve faster. At the same time we are seeing stimulus supports also, so people are really expecting economy to improve faster. Agar economies mein faster improvement ho rahi hai, artificial support jo Fed ne yahan pe diya hua hai, shayad wo withdraw kare. Agar wo withdraw kare, it's negative for gold. And that's why, friends, we have seen a continuous liquidation in the investment demand. SPDR gold ETF, aage main bataunga aapko. Inflation expectation has come on a forefront. जो नेक्स्ट 5 साल का जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है, अकॉर्डिंग टू द फेडरल रिजर्व्स रिसर्च वेबसाइट, इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन द रेंज ऑफ 2.5 गोइंग सून. सो जैसा कि मैंने बताया, फेब्रुआरी सीपीआई 1.7 इट स्टूड अगेंस्ट द 1.4% इन जनवरी, हाईएस्ट सिंस फेब्रुआरी 2020. द ऑप्टिमिज्म फॉर री ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन द सेकेंड क्वार्टर, when vast majority of US population will be vaccinated against the coronavirus, will result in strong retail sales on the back of US government's stimulus package. This is really important. I'm reading again. The optimism for reopening of the economy in the second quarter, when vast majority of the US population will be vaccinated against coronavirus, will result in strong retail sales on the back of US government's stimulus package.
Already, we have seen the ISM manufacturing PMI, initial jobless claims, non-farm payrolls, consumer confidence. It all has rebounded. And because of that, we have seen a rally in dollar index. The confidence is returning to the equity. So that's really positive for equity, negative for gold. It's all well and good to say that Fed will not touch interest rates for anytime soon. But you never know, by the end of 2021, by the beginning of 2022, instead of increasing interest rates in 2023, they might change their stand if commodities continue to rally. And according to many market pundits, the super cycle has begun in commodities, and commodities are going to increase very sharply. जैसा कि मैंने बताया, liquidation has put an additional pressure on gold. पिछले चार महीनों की मैं बात करूं, friends, except for in January, Eurozone, the countries in Eurozone, Euroblock, they bought a bit of gold ETFs. But if we talk about February, global gold ETFs lost around 85 turns in February, marking outflows for the third time in 4 months and the seventh worst historical month. Hello. Holdings. Hello. Hello. Mr. Kumar. Yes, yes, yes. You can hear in this? Yes, yes. We can hear you. Okay. Thank you. Okay. Carry on. So that's what I was saying. पिछले चार महीनों के अगर हम फ्लो की बात कर ले friends, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, जुलाई में मैक्सिमम हमने देखा था, ये ETFs का फ्लो भी आया था जुलाई अगस्त के आसपास. ये गोल्ड की प्राइस है जहाँ पे हमने ऑल टाइम हाई टच भी किया था क्लोजिंग बेसिस पे, इसलिए शायद प्राइसेस हमें 2000 के आसपास दिख रहा है. एंड दिस इज मंथली चार्ट. सो फ्रॉम देयर वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट फॉल इन गोल्ड प्राइसेस, एंड फ्रॉम देयर ऑल्सो जस्ट सी द ट्रेंड इन द ETFs. The same thing I'll show in next chart, but there is one ray of hope in this chart. Why one should invest in gold now? Uska ek jawab yahan pe hai. Please, is chart ko thoda shanti se hum dekhenge. Ye 2019 ke level se, I don't know if you can see the line here, but 2019, we have seen around 26% rally in SPDR gold ETF. The ETF holdings rose by around 26% in 2019. फ्रेंड्स, यहाँ इफ यू कैन रिकॉल, आई ट्राई टू हेल्प यू. 2019 में जो यूएस की प्रेसिडेंसी थी, तब की जो गवर्नमेंट थी डोनाल्ड ट्रंप वाली, ट्विटर पे बहुत सारा शी जिनपिंग या चाइना के अगेंस्ट में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे थे. बहुत मार्केट में ट्रेड वॉर को लेके अनसर्टेनिटी थी फ्रेंड्स. उस वक्त हमने देखा था सेंट्रल बैंक्स का बहुत ही बाइंग आया था इन 2019 फ्रेंड्स. The appreciation in SPDR gold ETFs, the holdings have risen by around 26% in 2019, mainly because of the buying by central banks. That too, to safeguard against the uncertainty because of the trade war. Phir humne ye kya dekha 2020 mein, ye jo ek global recessionary trend jo aaya tha, jiski wajah se humne dekha tha, around 893 tons ka jo holding tha as on 1st of January 2020, it went up till the levels of 1278-1280 around October 2020. Ye jo rally aayi thi, that was because of the safe haven buying to safeguard against the recession. And since then, we have seen a liquidation. At least if I talk about 2021, from here onwards, the holdings were around 1187 tons in SPDR gold ETF. One way sharp decline we have seen in the holdings of SPDR gold ETF. Today it's around 1055, so around 11% fall from the year beginning, around 21% rally we have seen, around 21% fall we have seen from the last year's high. तो ये क्यों हुआ है फ्रेंड्स? जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है उसकी थोड़ी बहुत जो रौनक है, शाइन है, थोड़ी कम हो रही है. Because people are expecting the equity to return to the normal speed, and it is expected that equity or economy will run on its own. They don't require artificial support. Agar aisa hai, to jo safe haven buying hua tha gold mein, bond mein, wahan se paisa nikal raha hai friends. And as I said, bond price and bond yield, inka correlation inverse hai. Gold price and bond price, unka correlation parallel hai. 1:1 hai. That's why we are seeing bond yields are rocketing till the levels of 1.6263. Last year, it touched the low of 0.45. From there, we are seeing a strong rally in bond yields.
And this is the reason why we are seeing a liquidation in investment demand. But only positive trigger here is central bank buying. First reason why we expect gold to rally in 2021, even after this many negative news. Friends, 2020 mein agar main central banks ke jo overall buying ki main baat karun, according to World Gold Council 28 January report, 2020 mein around 273 tons ka gold ka unhone buying kiya hua hai central banks ne. To name a few, Turkey, India, Norway, Russia and Kazakhstan. These four or five central banks are buying aggressively. They bought really aggressively last year. To a surprise, ye jo figure hai 272.9 tons buying in 2020. This is 59% below what they bought in 2019. मैं जो ये बात कर रहा था 2019 में हमने जो 26% इन्वेस्टमेंट डिमांड में रैली देखी थी वो प्योरली एंड प्योरली सेंट्रल बैंक की थी. यहाँ पे वही रीजन का एक और एक एग्जांपल मिल रहा है. 2020 में इवन ड्यूरिंग द टफेस्ट इकोनॉमिक टाइम्स सेंट्रल बैंक्स हैव बॉट गोल्ड. और 2020 में जो टोटल गोल्ड का उनका बाइंग था वो अराउंड 272 टन का था. सो दिस इज इवन 59% बिलो what they purchased in 2019, which means even during the toughest economic period or even the economy is rallying, central banks have bought gold and they are expected to do so even in 2021 also. Of course, in January, net to net, they were net sellers. But looking at the market structure, we expect central banks to chip into the market anytime and provide some support. Watch out for the central banks of Turkey, Norway, India, Russia, Kazakhstan. Of course, Euro and China is also there. The central banks of the ECB and the PBOC, they have bought gold in 2020, but the proportion was quite small, really very small, as compared to what Turkey's central bank, Norwegian, Indian or Russian or Kazakhstan central bank have bought. So this is the first positive why we expect gold to rally in 2021. फ्रेंड्स, इसके लिए मैं जितना कम बोलूं उतना बेहतर है, क्योंकि ज्वेलरी, रिटर्न ऑफ द स्पार्कल, वी ऑल नो मैं कहना क्या चाहता हूं. फ्रेंड्स, गोल्ड की डिमांड चार जगह से आ सकती है: सेंट्रल बैंक, इन्वेस्टमेंट डिमांड, ज्वेलरी एंड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी डिमांड इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूअल, वेरी स्मॉल. लास्ट ईयर वी हैव सीन अ हैंडसम इनफ्लोज इन इन्वेस्टमेंट्स एंड नाउ वी एक्सपेक्ट रिकवरी इन ज्वेलरी डिमांड एंड सेंट्रल बैंक बाइंग. सेंट्रल बैंक की हमने बात कर ली है. ज्वेलरी डिमांड, friends, jewelry demand, especially from India, I expect it to provide an amazing support to gold prices. What happened in 2020-2019? Lockdown restrictions ki wajah se hum bahar nahi ja paye the gold jewelry purchase karne ke liye. Even during 19 or 20, prices skyrocketed to all-time high of 55, 56, 57, 56,191 to be precise. और यहीं पे मुझे एक स्पार्क हुआ था कि जो मुझे अहमदाबाद के हमारी सपोर्ट टीम से जो मैडम का फोन आता था कि सर 57,000 पे हमने 56,000 पे गोल्ड देखा है, अभी तो 44 आ गया, ले ले क्या. सो इट्स स्पार्क्ड. इवन ऑफिस से भी यहाँ से बहुत सारी क्वेरी निकली थी, इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट. तो हमने सोचा हाँ, ये सोचने वाली बात है. पीपल आर कंफर्टेबल इवन एट 44 इररिस्पेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल्स. एंड देन वी डिस्कस द मैटर विद द एसोसिएशन एंड पीपल ऑल्सो आउटसाइड इन ज्वेलरी इंडस्ट्री. सो नाउ द जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इज कॉन्फिडेंट ऑफ 2021. इट विल बी कॉन्फिडेंट, इट विल बी अ डिफरेंट ईयर एंड दे बिलीव इट कुड बी अ ट्रांजिशन ईयर, हेल्पिंग द इंडस्ट्री स्टेबलाइज अक्रॉस बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स. The import duty has also fallen from 12.5 to 7.5. That has also supported to bring the prices down. Prices niche aa rahi hai, people are comfortable buying jewelry and they are expecting more and more footfall into the jewelry shops. According to the Gems and Jeweler Exports Promotion Council, this year sales will be bare minimum 10% above 2019-2020 levels. So this is also supportive to the market. सो एक या तो फिर ज्वेलरी बाइंग होगा या तो फिर सेंट्रल बैंक बाइंग होगा. वी आर कॉन्फिडेंट दैट गोल्ड इज एट करंट लेवल्स, अराउंड करंट लेवल्स. रियली इट्स अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग. देयर माइट बी सम करेक्शन गोइंग अहेड, बट इफ वी मिस द अपॉर्चुनिटी नाउ देन यू नेवर नो, यू माइट मिस इट लेटर ऑन. गोल्ड कैन एनहांस अ पोर्टफोलियो इन फोर डिफरेंट वेज फ्रेंड्स.
पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, 2020 में गोल्ड ने 28% रिटर्न दिया था, 2019 में 25% रिटर्न था. फ्रेंड्स, इट वॉज नॉट गोल्डन ईयर 2020 विथ 28% रिटर्न्स. इट वॉजेंट अ गोल्डन ईयर, इनफैक्ट इट वॉज अ गोल्डन डिकेड. हमने पहले भी इस टॉपिक पे बात की हुई है. अगर मैं 2011 से लेके 2020 के MCX के गोल्ड के ईयरली रिटर्न्स को मैं टेबल में रख दूं, एवरेज लूं, इट कम्स अराउंड 11, 10.8 और 11. सो ऑफ कोर्स ओवरऑल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इंप्रूव्स इफ यू ऐड गोल्ड टू योर पोर्टफोलियो. डाइवर्सिफिकेशन, ऑफ कोर्स अगर किसी ऐसा फेज आएगा जहां पे इक्विटीज परफॉर्म नहीं कर रही है, इफ यू ऐड गोल्ड टू योर पोर्टफोलियो इट्स ऑलवेज गुड. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, आई हैव बीन रीडिंग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल्स रिपोर्ट्स क्वाइट रेगुलरली. देयर वाज अ टाइम व्हेन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल वाज नॉट दैट मच बुलिश. दे वर लाइक हैव 6-7% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो एक्सपोजर इन गोल्ड. नाउ very strongly world gold council says you must have 12-15% of your portfolio value in gold. Returns, jaisa ki maine bataya, 28% 2019, 25% 2018, 7% 2017, 8% in 2016, 11%. Pichle 5 saalon mein humne ek baar bhi negative return nahi dekha hai. So returns, it's been an amazing rally for gold, at least for last 5 years. Agar itni rally aane ke baad thoda bahut correction aata bhi hai, so I won't say, okay, bookies definition agar hum dekhenge, to agar kisi cheez mein 20% ka fall aata hai, it's considered to have entered a bear market. I doubt. 28%, 25%, 2 saal se lagatar itni rally aa rahi hai, uske baad agar 20% prices gir bhi gaye, main bol raha hu 30% prices bhi agar gir jaate hai, what's wrong in that? The fundamental story is still very intact. The strong market is there for gold, investment demand, jewelry buying, and central bank buying. And friends, to add to that, the pandemic, coronavirus, has not disappeared. It is still here. Of course, vaccination programs are going on slowly and gradually. But I feel gold will rally very, very smoothly in coming months. And last is liquidity. There is plenty of liquidity in gold market. So I really, literally, I would like to advocate to have gold in a portfolio. Alternative investments, including gold, it has been a great tool for a portfolio strategy. Prices, हमने देखा है friends, यहाँ पे prices ऊपर जाते हैं, gold में buying आता है. Prices नीचे आते हैं, तो भी same story है. What is becoming increasingly apparent is that when gold rises, public buying increases. When the gold prices drop, public buying increases. So in any case, in any phase of the economy, one must have gold in the portfolio. वैसे ये देखा जाए तो ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा comparison दिखाया हुआ है, physical gold, gold ETF, sovereign gold bond. Friends, according to me, हर एक के pros and cons है. अगर मैं physical gold की बात करता हूँ, purity का question आता है. अगर मैं गोल्ड ETF की बात करता हूँ, यू कैन ओनली ट्रेड ऑन एक्सचेंज, फिजिकल में आप बेच नहीं पाओगे. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करूंगा तो फिर वहां पे आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन 5 ईयर का लॉक इन है, तो ये वहां पे एक लिमिटेशन है. गोल्ड में अगर मैं इन्वेस्टमेंट लिमिट करता, डिपेंड्स ऑन दी क्लाइंट, जितना भी आप परचेस कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी. ETF है, मिनिमम 1 ग्राम, मैक्सिमम 2 लिमिट है. एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की भी एक लिमिटेशन आती है. रिटर्न्स की अगर मैं बात करता हूँ, गोल्ड फिजिकल गोल्ड हो या फिर आपका ETF गोल्ड हो, एक्चुअल गोल्ड के रिटर्न से थोड़ा कम होगा. बट अगर मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करूं, जैसा कि बताया 2.5% इंटरेस्ट है यहाँ पे ऑन गोल्ड. सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटली सेफ्टी है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ETF है, दैट्स रियली गुड. डिजिटल सेफ्टी है वहां पे, लेकिन फिजिकल गोल्ड में आपको सेफ्टी के लिए यहाँ वहां जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए, हॉलमार्क है या नहीं है, 999 है या नहीं है, दीज आर ऑल द कंसर्न्स. प्योरिटी का भी क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, दैट्स व्हाई. कैपिटल गेन है, कोलैटरल अगेंस्ट लोन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. फिजिकल गोल्ड जो है वो यू कैन यूज इट एज अ कोलैटरल अगेंस्ट गोल्ड लोन, बट गोल्ड ETF है वो आप यूज नहीं कर पाओगे. सो व्हाट आई एम सेइंग फ्रेंड्स, इफ यू गो थ्रू दिस पीपीटी, दिस स्लाइड वेरी केयरफुली वन बाय वन, यू विल रियलाइज ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स सॉर्ट्स, इट हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स. I would add to this that MCX has launched a very innovative product. Agar koi short term trader bhi hamare paas hai, to he can invest
और ही कैन गो लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स ऑल्सो, दैट इज बुलडेक्स. अब बुलडेक्स में ये एडवांटेज है कि मार्जिन इंडिविजुअल गोल्ड इंडिविजुअल सिल्वर के अगेंस्ट में मार्जिन बहुत कम है. बुलडेक्स आई बिलीव 6% इज द मार्जिन इन बुलडेक्स. फिजिक इंडिविजुअल गोल्ड में अगर खेलना है 10% है मार्जिन रिक्वायरमेंट. इंडिविजुअल सिल्वर में अगर यहाँ पे खेलना है तो 14-17% मार्जिन है डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विड वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. बुलडेक्स में अगर पोजिशन ले ली तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में एट द सेम टाइम आपने एक्सपोजर ले लिया. दैट हैज 66% वेटेज ऑन गोल्ड हैज 66% वेटेज ऑन बुलडेक्स एंड सिल्वर हैज 33%. डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया एंड पूरे बास्केट पे आपका कंट्रोल भी हो गया. सो इफ Nobody wants to go for this physical gold, ETF gold, sovereign gold bond. I think you can contact our sales team, marketing team, advisory team, OPG. अगर capacity के हिसाब से individual gold, silver में position ले सकते हैं या तो फिर bulldex है. Ask me, bulldex is the best product. At least in last 6 months, जितनी भी products आई है उतने में bulldex जो है वो बहुत ही बेहतरीन product है. Returns भी उतने ही है जितने gold में या silver में individual आए थे. So, ये तो हो गई फंडामेंटल्स की बात फ्रेंड्स. बट हाँ, यहां तक वन थिंग इज क्लियर टू मी. वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट फॉल इन गोल्ड फंडामेंटली, बट आई डोंट डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर $50 फॉल और $60 फॉल इन कॉमेक्स और इन अदर वर्ड्स इन रूपी टर्म्स. आई एक्सपेक्ट 43,500. दैट्स अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर MCX गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट. These are good levels, really friends. I have seen people have increased their queries asking for gold, gold jewelry, gold coin, gold biscuits. Even the advisory desk, they have started receiving calls for having a positional view. What is the positional view on gold or silver? Because they have corrected very sharply, particularly gold. Gold ke saath hamara ek attachment bhi hai. So I think after 20% fall, I don't deny the possibility of another 5-7% fall. Yes. लेकिन अगर हमने अब आज यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं किया, हो सकता है प्राइसेस में यहाँ से एक जंप आ जाएगा, 48,000 के प्राइसेस आ जाएंगे, फिर हमें वापस से लगेगा साइकोलॉजिकल वो 50,000 का बैरियर मार्केट में आएगा अपने सामने. वी विल बी हेजिटेंट, वी विल बी रिलक्टेंट टू गो लॉन्ग इन गोल्ड एट दोज लेवल्स. व्हाई डोंट यू गो लॉन्ग एट करंट लेवल्स मेरे भाई? 44,000-45,000 का प्राइस है. इट्स बेटर टू एंटर हियर देन अराउंड 48,000. सो यस, फंडामेंटली आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू गो लॉन्ग इन गोल्ड. 2021, ऑफ कोर्स लाइक last year or last to last year, 28%, 25% returns I don't expect, but gold will perform really very well. It will give you returns of around 10-12% this year also. Yes, 2075 wapis se aega, I doubt, but the sentiment will be positive going ahead. Agar mujhe aap thoda long view le rahe ho Diwali tak ka, friends, I am expecting $1,850-$1,900 on the comics. Technical insight, give me a second please. Technical insight, this is Comex Gold weekly chart 1722. Yesterday again it touched 17, but it rebounded during the evening session. हमने यहाँ पे देखा है prices 50 days के exponential simple moving average के नीचे चली गई है. जो Ichimoku cloud है उसके भी नीचे prices है, लेकिन जो 100 days के exponential moving average है उसका simple moving average, 100 days की जो simple moving average है उसका बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे support लिया है. I don't know if you can see here, बट कल की जो वीकली कैंडल थी वो यहाँ पे दोजी बनाई हुई है. दोजी इंडिकेट्स इंडिसिसिवनेस. एंड ये जो मैं 100 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, इन रिसेंट हिस्ट्री आल्सो इट हैज टेकन सपोर्ट हियर एंड हियर आल्सो. सो आई थिंक गोल्ड प्राइसेस शुड रिस्पेक्ट 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज गोइंग अहेड, विच इज 1670. अगर 1670 का लेवल ब्रेक होता है तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है 1640-1600 की रेंज में. मुमकिन है फ्रेंड्स, मुमकिन है, प्राइसेस घूम सकते हैं. गुजराती में कहावत है भाव भगवान से. 1670 अगर ब्रेक करता है तो 1640-1600 का लेवल भी आ सकता है. बट द वे द स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग, दोजी हियर इन द बॉटम, 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज सपोर्ट, सो ऑल दीज थिंग्स आर सपोर्टिव टू द गोल्ड मार्केट. लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, जी हाँ बिल्कुल. जो 2075 से लेके आज तक का अगर हम एक ट्रेंड देखें, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है. स्विंग यहाँ से घूमने की तैयारी कर रही है. अगर प्राइसिस में यहाँ से एक बार बाउंस आता है और सस्टेन करता है 1700 के ऊपर कंफर्टेबली,
जैसा कि ये वीकली क्लोज आज का 1700 के ऊपर आया, इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, 2 से 4 महीने के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे 1800-1830 के लेवल्स आ सकते हैं। MCX गोल्ड यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होगा। MCX गोल्ड वंस अगेन लोअर टॉप लोअर बॉटम है, 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे, आईचीमोकू क्लाउड के नीचे भी प्राइसेस है, जैसा कि मैंने बताया था 43,200 के आसपास अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट है, विच इज 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, एंड अगेन हियर ऑल्सो इट हैज फॉर्म्ड अ डोजी, एंड सी 45,000 इज अ रियली वेरी गुड रेजिस्टेंस फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। 45,000 के ऊपर अगर प्राइसेस में अगर एक विथ वॉल्यूम स्पाइक आता है, क्लोज हो जाता है प्राइसेस, देन वन शुड गो लॉन्ग विद द लो ऑफ करंट कैंडल, विल टॉक अबाउट इट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, बट आई थिंक 45,000 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं फ्रेंड्स, 48,000-47,500, 49,000 के लेवल्स भी आ सकते हैं। टू एड टू दैट, आने वाले दिनों में वेडिंग सीजन भी चालू हो रही है इंडिया में, सो मुमकिन है थोड़ा बहुत ज्वेलरी सपोर्ट वहां से भी आएगा। सो फॉर we have seen a sharp fall from 2075 or I would say 56,191, kya short term pullback aa sakta hai? Bilkul aa sakta hai, aur 45,000 is a very good level, to be very precise 44 psychological jo close hai wo bahut hi important hai, overall buy on dips ki strategy yahan implement kar sakte hai, jis tarike se fall aaya hai that's why we expect some more pain is there in the market, but it's a clear cut buy on dips strategy market friend. I don't know, मैं क्या बोलूं, पिंकेश है सेल्स एंड एडवाइजरी, सेल्स एंड मार्केटिंग एडवाइजरी से, ओपीजी है, विष्णु है, मोइन है यहाँ सेल्स टीम के कॉन्टेक्ट नंबर से। हियर आई वुड लाइक टू टेक वन अपॉर्चुनिटी पिंकेश बिफोर आई हैंड ओवर टू यू। पिंकेश, इन दिनों हमने जो एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा है गुरुकुल को लेके, यहाँ जितने भी नाम लिखे हुए है, चाहे पिंकेश आप खुद हो, मोइन या विष्णु, ओपीजी एडवाइजरी की पूरी टीम, डिजाइनर्स की पूरी टीम, रिसर्च के मेरे जो भी कलीग्स हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं था, और जो भी फीडबैक ब्रांच से, क्लाइंट से आ रहे हैं, वी आर टेकिंग देम एब्सोल्युटली कंस्ट्रक्टिवली, और आई थिंक वी आर हियर टू सपोर्ट द सिस्टम, इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी, एंड कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आई थिंक मेरी टेक्निकल टीम यहाँ पे अवेलेबल है, मैं हूँ, सेल्स and marketing se Pinkesh hai, OPG hai, advisory se, so all yours. Thank you Pinkesh. Thanks very much Jigar, very insightful session once again from the research team as always. So now we have kept the floor open for the question and answers. You can unmute yourself and ask the question, or else you can type in the chat box. One more thing I would like to repeat again, we have been repeatedly pasting the link in the chat box, which is the feedback form. I would request each and every participants to please fill in the form. This will help us to improve the future sessions of the Commodity Gurukul. So in the meantime, Mr. Venkatesh has raised the hand. You can, sir, you can please unmute yourself and ask the question. या सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अभी ये गोल्ड सवरेन गोल्ड बॉन्ड है ना, हेलो बोलिए ना सर, सुनाई दे रहा है, बोलिए ना। ओके, सवरेन गोल्ड बॉन्ड है ना, ये अभी तो सेकेंडरी मार्केट में भी चल रहा है। मैं क्लाइंट्स के लिए अभी 2025 और 3 इयर्स बैक आ गया था ना, वो भी बाय कर रहा हूँ, उसमें भी 2.5% इंटरेस्ट आ जाएगा क्या नहीं आएगा, और उसका कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का क्या हालत है, उसमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, एमसीएक्स में मैं गोल्ड पेटल और गोल्ड मिनी बाय करता हूँ ना, करते हैं ना क्लाइंट से, वो मैं कैरी ओवर करने के बाद, अभी सर बोल रहे थे 20% अभी गिर गया है मार्केट गोल्ड, अभी एक दो महीने में 1800 जाएगा, 1700-1800 जाएगा, ठीक है, वो डिलीवरी ही जैसा वो कैरी ओवर करते करते हुए तो भी वो अच्छा लगेगा ना विदाउट स्टॉप लॉस, ये मेरा दो क्वेश्चन है। Correct, Jigar. So Jigar, you can answer the first one. Second one, I can help it out. हाँ, उनका question तो Pinkesh ये sovereign gold bond के correct है, तो I think
Yes, you should get 2.5%, but I think Pinkesh, the right person is Neha Khan. करेक्ट सर. सो आपका जो सर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से है, सो इट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल. वी हैंडल द कमोडिटीज एंड द करेंसीज फ्यूचर्स मार्केट. सो वहां पे कुछ भी टेक्निकल क्वेरीज होगी, सो वी हैव अ वेल्थ टीम सेपरेटली अवेलेबल. सो हम आपसे उनका कॉन्टेक्ट करवा देंगे. आप अपना नंबर प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए. सेकंड, तो बेसिकली सर इसमें क्या है कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेके जो आपका जो क्वेश्चन है ना, अपने पास यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है जो इंश्योरेंस संभालती है, म्यूचुअल फंड संभालते हैं, और ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी संभालते हैं एनएससी पे जो होता है. सो आई थिंक वी'ल डिस्कस द मैटर विद देम एंड वी'ल कनेक्ट टू यू वेरी शॉर्टली. श्योर सर, थैंक यू. सेकंड क्वेश्चन, वो एक आंसर दे दीजिए. राइट सर. सो सेकंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि आप गोल्ड पेटल या गोल्ड मिनी या जो लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ द गोल्ड अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो कैरी ओवर करके आप होल्ड करना चाहते हो, राइट? यस यस. फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सन यू कैन डेफिनेटली डू इट सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और लोअर डिनोमिनेशंस के मार्जिन्स भी लोअर है कंपेयर टू द गोल्ड 1 kg. सो आपके क्लाइंट के कंफर्ट के हिसाब से आप लोअर मार्जिन्स भर के उसमें रोल ओवर कर सकते हो. द ओनली थिंग इज लाइक द रोल ओवर कॉस्ट एक जो आती है, जो प्रीमियम होता है मंथ ऑन मंथ का, वो आपको एज अ कॉस्ट बेयर करना होगा. अदरवाइज देर आर नो अदर चार्जेस. सो यू कैन डेफिनेटली कैरी ओवर फॉर नेक्स्ट 2-3 months और 4 months इन वॉट एवर वे योर क्लाइंट इज कम्फर्टेबल सर. यस, मैं वैसा ही करता रहता हूँ, इसलिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है ऐसा बोल के मैं. डेफिनेटली अच्छा है सर, डेफिनेटली अच्छा है. यू कैन कंटिन्यू सर. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर. जिगर सर, रहमत हियर. गुड मॉर्निंग सर. सर थोड़ा मुझे ग्लोबल मार्केट गोल्ड डिमांड इन हिस्टोरिकल इयर्स के हिसाब से देखेंगे. अगर वी विल लीव इट ऑन 2020 बिकॉज वी हैव सीन ट्रेमेंडस स्पाइक इन गोल्ड इन 1 year. Apart from 2020, usually we see some dip in March month in gold every year. So, what is your view on global demand on March and April, sir? As you said, it is a positive, but $1,850 you are expecting. So, as you have said that, rightly said that it has come down now, only the 10 to 20% risk is there in going long in gold. 80% in safer side, we can make it around 20-30% return in this 1 or 2 months. Very true. How the support is in gold, sir, in global support in gold? Right. Vemanji, agar main normal year ki baat karun, normal circumstances ki baat karun, to advanced countries mein financial year January to December hota hai. हमने ये देखा हुआ है कि दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में उनके अकाउंट्स क्लोज होते हैं. जैसा कि अपना फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च है, वहां पे फाइनेंशियल ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर. तो नवंबर, दिसंबर में वो जो म्यूचुअल फंड्स या वो जो गोल्ड ईटीएफ्स क्लोजर होता है उसका ईयरली प्रॉफिट बुक करने के लिए, उनका बाइंग बढ़ता है जनवरी फरवरी में. दैट्स व्हाई स्लोली एंड ग्रेजुअली एलोकेशन जनवरी फरवरी में उनका होता है. दैट्स व्हाई इंटरनेशनल डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्च एंड अप्रैल में वहां से फ्लो थोड़ा थम जाता है. ये मैंने बात की एक नॉर्मल ईयर की. लेकिन 2019 में हमने देखा था कि जो ट्रेड वॉर की वजह से जो सेफ हेवन बाइंग आया था सेंट्रल बैंक का, उसने मार्केट के फंडामेंटल्स को हिला दिया, थियरीज को हिला दिया. लास्ट ईयर हमने जो देखा मार्च ऑनवर्ड्स जो मार्केट में क्रैश आया था, सेफ हेवन बाइंग इमर्ज हुई थी गोल्ड में, उसने भी मार्केट के बुकिश डेफिनेशंस को हिला दिया है. स्टिल आई एम सीइंग गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड और द सेंट्रल बैंक डिमांड विल रिमेन इंटैक. हो सकता है कुछ वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट डिमांड सेंट्रल के एडवांस कंट्रीज US, यूरोजोन, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, जापान, वहां से थोड़ी कम हो जाए, उसको थोड़ा सा ब्रेक लगे. लेकिन जो सेंट्रल बैंक बाइंग है, ज्वेलरी बाइंग है, मार्च अप्रैल मई में इंडिया फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से भी एक तो होली के पहले होगा, फिर पुष्य नक्षत्र होगा, फिर शादियां आएगी मई जून में, उसके पहले वहां से एक सपोर्ट आ जाता है प्राइसेस को. सो ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्च और अप्रैल में अगर इंटरनेशनल डिमांड कम भी रहेगी, आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी रिवाइवल ऑफ सेंट्रल बैंक बाइंग एंड ज्वेलरी बाइंग.
सो मार्केट को ये सपोर्ट करेगा फ्रेंड. रहमत जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर यूजफुल इनपुट्स. थैंक यू रहमत जी. मिस्टर नीरज शर्मा हैज रेज्ड द हैंड, यू कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन. Hello, good morning, sir. Good morning. Yeah. Good morning. Actually, right now I am from Gorakhpur, sir. And I have got good chunk of clients in gold trading. Okay. And usually I make them good profit from MIS, means intraday. Good. In gold mini and gold mega one. Bas toh badhiya hai, karte rahe, aur kya hai? But not in intraday, my indicators are working very well. Okay. Na? I do technical analysis myself, sir. Great. But the thing is that, sir, in normal trading, I get scare of gap up and gap downs. Right. So, and I'm not taking my daring of opportunities for the clients. Okay. Often client tell me that hold on, but I scared of holding the gold till expiry. Okay. Because many clients breaks their money, a lot of money in gold, sir. True. So from that part, because in MIS I don't have any problem. They are getting, yesterday also I make them good profits. Okay. But I want to do some good loss in normal trading. You want to do a good loss in normal trading? Sorry? Good profit. I think he has miscommunicated. Okay. Niranji, loss kyun karna hai? Profit banaiye na? Nahin, MIS mein toh ho hi raha hai, sir. Na? Magar mujhe kya hai ki thoda lot karke, kyunki MIS mein 200 points. Okay, lot. Okay. I mean, lot, okay. मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जैसे MIS में 200-300 पॉइंट्स आ रहा है, नो प्रॉब्लम फॉर दैट. करेक्ट ना. कल भी मैंने तीन ट्रेड किया, तीनों ट्रेड एक्यूरेट गया. शुरू में शॉर्ट किया, उसके बाद बाई किया नाइट को. तो उसमें क्या हुआ सर, उसमें प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं है, मगर क्या है कि थोड़ा लॉट डाल के दो चार दिन छोड़ के 2-3 हज़ार पॉइंट यदि आ जाती है, इफ दैट इज दैट कम्स, देन दैट इज गुड फॉर द क्लाइंट्स, इजंट इट सर? करेक्ट. नीरज जी, ऑन अ लाइटर नोट, अगर 2-3 हज़ार पॉइंट का मूव यूं ही फटाफट मिल जाता ना गोल्ड में, तो हम सब यहाँ खेलने लगते. बट टेक्निकल जो आपकी क्वेरी है, गैप अप गैप डाउन से कैसे बचना है, आई थिंक माय टेक्निकल एनालिस्ट्स आर हियर एंड इयान कैन हेल्प इट आउट. यस, एक्चुअली इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन सर. इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम द गैप अप गैप डाउन, व्हाट आई सजेस्ट सर इज, एक तो ट्रेंड फॉलो कीजिए जो प्रॉपर मेजर ट्रेंड है, सपोज फॉर एग्जांपल गोल्ड का प्राइमरी ट्रेंड. सॉरी, प्राइमरी ट्रेंड यू मीन? यस प्राइमरी ट्रेंड यू हैव टू फॉलो दैट. एंड प्लस इफ यू वांट टू, वंस आवर मार्केट इज क्लोज एंड यू वांट टू जस्ट गेज वेदर इट विल गैप अप और गैप डाउन, व्हाट आई सजेस्ट इज यू हैव टू चेक द चार्ट्स ऑफ द काउंटर पार्ट ऑफ आवर इंटरनेशनल कॉमिक्स फॉर एग्जांपल. वहां का चार्ट देखिए, वहां पे एक बार देखिए कि ये बॉटम से घूम रहा है कि क्या हो रहा है. वहां पे आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि नेक्स्ट डे हमको गैप अप मिलेगा कि गैप डाउन मिलेगा. सो बिफोर कैरिंग योर पोजीशन, जस्ट रिफर टू द इंटरनेशनल चार्ट एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन वेदर यू हैव टू होल्ड योर कैरी स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन और कैरी फॉरवर्ड इट. ओके सर, अनदर क्वेश्चन सर. यस, अनदर क्वेश्चन इज दैट एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, at the time of expiry, we can roll over the position to another expiry also, but I have not never done that one before. My question is that if we do that, the I see often the April future, May future prices have quite difference. So hello. Yes sir, you can go ahead with your question. The price of May future and April future is different, sir. So at the time of April expiry, at the time of rollover, how is it done and what is the rolling over cost for that? सर, तो इसमें जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही आपका एक्सपायर होने आता है, जैसे ही नजदीक आने लगता है एक्सपायरी, तो जो मई का जो आपका जो अप्रैल से जो भी पोजीशंस होती है वो मई में, मतलब जो भी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम शिफ्ट होने लगता है. तो आपको दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस देखने मिलेगा ही, वो थोड़ा सा प्रीमियम में चलते ही रहेगा. तो वो जो आपका रोल ओवर का जो कॉस्ट है, यहाँ पे आपने बाय किया होगा तो उसे जो बेचोगे और अगले कॉन्ट्रैक्ट में जो बाय करोगे, तो वो डिफरेंस जो भी होगा, 200 रुपया 300 रुपया दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में, वो आपको एक एज एन कॉस्ट आपके ट्रांजेक्शन पे वो लिवाई हो जाता है. मीन्स
आपको जो 200 रुपया 300 रुपया महंगा बाय करना पड़ता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। बट ओवरऑल अगर आप टाइम फ्रेम की बात करो तो अगर आपने लॉन्गर टर्म व्यू लेके रखा हुआ है तो आप ये रोल ओवर्स के कॉस्ट को बेयर कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। यस ओपीजी प्लीज। बेसिकली सर ये डिफरेंस क्यों होता है, दो मेजर कारण होता है। एक तो इंटरेस्ट जो होता है ना सर वो एक कारण है, एंड द सेकेंड है आपका डिलीवरी। अगर डिलीवरी काफी बड़ा रहता है तो प्रेशर नियर मंथ को थोड़ा ज्यादा रहता है। इसीलिए अच्छा है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म में आए हैं सर। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि सिल्वर में जनरली आप नोटिस कीजिएगा, सिल्वर में 2 मंथ का गैप जो है ना 1500 से 2400 के बीच में मूव करता है। ये भी डिपेंड कर रहा है डिलीवरी प्रेशर को लेके। तो उस समय में अगर कोई ट्रेडर क्लाइंट है तो जब भी 1500 के आसपास में सिल्वर आता है सर, तो उस समय में आपको क्या करना चाहिए कि नियर मंथ को सेल करना चाहिए एंड फार मंथ को बाई कीजिए। एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए वहां पे, रिसर्च अपना एनालिस्ट लोग अपडेट कर देंगे उस समय में आपको। एंड जब भी 22 या 2300 के आसपास में आए तो उस समय में सीधा उल्टा कीजिए, सेकेंड मंथ को सेल कीजिए एंड फर्स्ट मंथ को बाई कीजिए। और दो ही पॉइंट है सर, इंटरेस्ट रेट एंड द आपका डिलीवरी प्रेशर। थैंक यू। ओके हेलो। हाँ बोलिए सर। सर एक्चुअली आई वांट द फाइनल सजेशन फ्रॉम योर साइड। एक्चुअली इफ आई एम डूइंग प्रोवाइडिंग द क्लाइंट्स गुड प्रॉफिट इन इंट्राडे 200-300 पॉइंट्स एवरी डे, सो शुड आई गो फॉर दिस एवरी डे और शुड आई हैव टू गो फॉर द नॉर्मल ऑल्सो सर? बिकॉज आई वांट टू डू नॉर्मल बट एज द प्रॉफिट्स आर गेनिंग फ्रॉम द इंट्राडे, सो इज इट ओके फॉर इंट्राडे राइट नाउ और शुड आई हैव टू थिंक फॉर फंडामेंटल्स? सर अच्छा जिगर यू कैन। No, I think customer satisfaction is our priority, Pinkesh. So if customers are making money even on intraday basis and if we are comfortable providing services on intraday basis, it's good. Haan, agar koi hai customer yahan pe jinko positional view lena hai, we are always there. We can talk to them, of course. But as of now, he should continue with intraday strategies. Okay, thank you very much. And if I want to discuss further positional trading for gold, so to whom should I ask sir? Sir, आपके स्क्रीन पे ये नंबर है, किसी को भी फोन कर लीजिए। Okay sir. हम तो है ही है obviously. Thank you very much sir for your suggestion sir. Thank you very much sir. Thank you Neeraj ji. So Mr. Suresh Arora has raised the hand. Please unmute yourself and ask the question. Will be fast. Yeah, little fast sir. अनम्यूट करने में थोड़ा टाइम लगा। नो वरी सर, प्लीज गो अहेड सर। नो आई वाज लाइक वी विल बी फास्ट बिकॉज़ वी वांट टू आंसर मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। हां यस यस सर। मेरा मतलब हमारे पास एक क्लाइंट हैं जिनके पास अभी जो गोल्ड को जो फॉलो करते आ रहे लॉकडाउन के टाइम से, और उन्होंने जो है तकरीबन आप ये मान के चलिए कि एवरेज करते करते 5 kg गोल्ड वो जो है वो एक्युमुलेट कर चुके हैं। ओके और अभी क्या है ऑलमोस्ट 30-35 lakhs के वो लॉस में बैठे हैं, और अभी उसमें क्या करना चाहिए हमें, मतलब कोई बेस्ट एडवाइस आप दीजिए कि अभी उनको किस तरीके से। आई थिंक फंडामेंटली आई सी 10-15% डिप इन गोल्ड प्राइसेस, आई डोंट सी मोर ऑफ selling in gold. I don't see the possibility of that. There is a possibility that it might fall by another 10-15%, but acche level se unki average kaun si aa rahi hai wo dekhna padega. Ian, if you can provide positional levels from weekly chart, then it will be better. Unka average jo hai wo almost 51,000 ka hai. 51,000 ka hai, so he will have to wait for some time sir. He will have to wait for some time. 51,000. He needs to have a good luck for getting in the money trades. But I think, yahan se thoda bahut recovery aa sakti hai. So, Ian, if you can provide levels. Sure. Actually, 51,000 is very high and average. Bahut upar ki levels ho gayi sir wo. लेकिन अभी नियर टर्म के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 45,200 का. अभी अगर हम कल की कैंडल देखेंगे तो हमको एक अच्छा बाइंग मिला नीचे के लेवल से, तो ओवरऑल थोड़ा सपोर्टिव लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि ये लेवल्स में अच्छे सपोर्ट बन रहे हैं. ऊपर में 45,200 लेवल्स पे जैसे ही क्लोजिंग मिलता है
तो ये 46,000 48,000 लेवल्स तक जा सकता है, बट 51,000 इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. सो मैं यही बोलूंगा कि एक बार बाउंस मिलता है तो वहां पे थोड़ा पोजीशन हल्का करना चाहिए ऊपर के लेवल्स. एंड गिव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज अ स्टॉप. स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डाउनसाइड में एक है 43,500 का, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है. अगर अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो आई थिंक वहां पे निकल जाना चाहिए एक टाइम के लिए. ओके थैंक्स यान. ओके अगर अगर यहां पे ये किया जाए कि अभी ये मतलब उनके पास है मतलब इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है तो थोड़ा सा अभी वो टेंस होने लगे हैं कि उनको मैं क्या एडवाइस दूं कि अगर यहां से अगर 2-3 किलो और ऐड किया जाएगा, अगर यहां से थोड़ा सा और डिप मिलता है तो क्या ये ठीक रहेगा? सो अकॉर्डिंग टू यान व्हाट आई अंडरस्टूड अबाउट 45,200 यू कैन आस्क हिम कि yes. थोड़ा बहुत एवरेज करो, अदरवाइज अभी थोड़ा वेट करो. वील टॉक ड्यूरिंग दी लाइव मार्केट्स, बट आई थिंक अबाउट 45,200 यू कनेक्ट, यू ट्राई टू कनेक्ट टू पिंकेश एंड ओपीजी, वाया देम यू कैन कनेक्ट टू इयान. ओके ओके तो ये जो नंबर इन्हीं नंबर्स पे आप हमें कॉल कर दीजिए. ओपीजी जो है एडवाइजरी एंड कमोडिटी करेंसी डेस्क जो है वहाँ पे ओपीजी का नंबर लिखा हुआ है, यू कैन कनेक्ट टू देम डायरेक्टली और उनकी टीम के थ्रू आपको टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट से ओवरव्यूज मिल जाएंगे सर. श्योर ठीक है थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच सर. मिस्टर करण हैज रेज द हैंड, यू कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन. Hi, good morning, sir. We had a wonderful session so far. I'm sort of fresher, but still getting a lot of insights. Thanks to your commodity and the other Gurukul. I even followed the Forex session. Correct. And it's very interesting and your expertise are really on the right track, I would say. As in, you know, it's working as per what you guys are informing us. I just had a quick question, sir. Please, if sir. I had to invest for a long time in gold, the three options that I see is one is the physical part, which is impossible to buy 1 kg gold and keep it by yourself. The next comes the gold mega or the mini lot. And the third that I heard for the first time was the bulldex or the goldex. I'm not quite sure what that word is. So if I'm looking for a long term, say a year or maybe 8 months up till the Diwali season, what do you think is the ideal way? Say if I have a capital of 5 lakhs and that I want to invest in gold and hold. So what would you suggest? MCX, I think you can go long in gold mega or gold mini, and of course there is a bulldex also, and that these are the products for 3 months rolling. For Diwali positional, I think coin ETF, these are the products. But I think since you said you are quite fresher, then we will do one thing, Pinkesh will sit with this person on a one-to-one basis. We can have a Zoom also, OPG, AAP, then this gentleman and myself, and we'll sit with technical team. And I think मुझे तो यही लगता है, अगर MCX exchange पे काम करना है तो मेगा गोल्ड है, मिनी गोल्ड है या बुलडेक्स है. And since he doesn't know what is bulldex, we can sit one to one and discuss. Thank you so much. So I'll get in touch with you guys after the session. We'll share your numbers and then accordingly, whenever we find time, we can sit accord. And because I understand this is the ideal time to go ahead. True. Since the level is down, so I don't want to delay on it. And the main thing that attracted me was the word gold. Yes. So I knew that, you know, this, I didn't want to miss on. Like gold is very much close to the sentiments of the Indians as always. So it has to attract. Yeah. Correct. Anyways, thank you so much. Have a wonderful day and I'll see you guys soon. Sure. Thank you. So Mr. Nirupam has raised the hand. Please unmute yourself and ask the question. Thank you. My question is not directly gold, but related to it, actually. I would like to ask you that I have dollars buying at 73.20. So, considering this thing, what can I expect? Will it go up or it will go down? Hello? Sir, aapka question USD INR se hai, right? Yes. सो सर आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप एडवाइजरी टीम का एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आप अलग से उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वहां से आपको प्रॉपर एडवाइस करेंसीज के ऊपर भी मिल जाएगी सर. ठीक है, क्योंकि ये सेशन में हम बेसिकली कमोडिटीज कवर कर रहे हैं. सो आप एडवाइजरी टीम का नंबर नोट डाउन कर लीजिए, जहाँ पे
ओम प्रकाश जी का नंबर लिखा हुआ है, उनके डेस्क का नंबर लिखा हुआ है, आप उनसे संपर्क कर लीजिए तो वो आपको यूएसडी आईएनआर पे जो भी आपका क्वेरी है वो हैंडल कर लेंगे सर। नंबर कहाँ से मिलेंगे सर? ये आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है सर, ये देखिए पेन से सर्कल किया हुआ है। हाँ 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 ठीक है, थैंक यू सर। सो we have one more question, Jigar, it's in the chat box. Is it worth to hold sell call in MCX Bull Dash March contract? All are saying bullions will correct, but yesterday it increased. Sorry. So I am to answer his question in two words, I am cautiously optimistic. So for a sell call, Ian, I think you need to give a stop loss. It's in the MCX Bull Dash. I think Pinkesh, I am cautiously optimistic on precious metal spec. So I think yes, one should go long in bullions rather than going short. In case of, since he has taken a position in short, Ian, we need to give him a stop loss. Yes, in MCX Bulldex, the stop loss will be 14,420. Yes, and there's one level 1400. Agar iske niche closing milta hai, to wahan se thoda selling pressure aa sakta hai. So, you can hold the position with a stop loss of 14,420. Thank you, Ian. Mr. Suresh Arora has asked, do we have some courses with us? Sir, through Anand Rathi, we do not have any courses. But yes, some courses might be available on the technical and the fundamental side. So, you have to Google it somewhere on the websites and you can enroll yourself. So one last time, I'm pasting in the chat box the link for the feedback. I would request each and every participants to please fill up this form. This will be very helpful to all of us at the Anand Rathi to enhance the Gurukul sessions. So thanks to each and every participants for coming here. Yes, Mr. Karan, you have raised the hand. Any more query? Just a quick question, sir. You all spoke about the live trading, as in, you know, is that also a part of the Gurukul, or is there something in addition that we have to subscribe to? Live trading, it's the during the market hours, sir. It's okay. It's nothing. Yeah, means from Monday, today the markets are off. So from Monday to Friday, when the markets are live, so we can give you more clarity based on the live trading of the levels and everything. So the purpose of saying live trading was the live trading of the MCX and the NCDX markets. Okay, while it is on. Okay, while it's on. And मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगा सर, ये लाइव ट्रेडिंग को इम्पोर्टेंस इतना क्यों देना चाहिए? क्योंकि सर हमारा मार्केट जो 9 o'clock ओपन होता है ना, उससे पहले ऑलरेडी चाइना 7:30 के आसपास एंड जापान उससे पहले ओपन हो जाता है। तो वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, वहां पे मार्केट किस तरीका से, और अगर आप देखिएगा तो गोल्ड का कंज्यूम करने में इंडिया और चाइना हमेशा फाइट करता है, मैं नंबर वन तो मैं नंबर वन इन पावर रहते, राइट राइट तो ये दोनों कंट्री, और इकोनॉमी की बात कीजिएगा तो आप और हम, हमारी इकोनॉमी 2.58 ट्रिलियन डॉलर ही है सर, उनका 12 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर चला गया है, तो हमसे 6 गुना लगभग बड़े हैं। तो उनकी मार्केट जब ओपन हो जाती है, उसके बाद 9 o'clock जब हमारी मार्केट होती है, तो उसने कैसा रिएक्शन दिया या चाइनीज मार्केट ने क्या रिएक्ट किया, उसको देखने के बाद अगर आप ट्रेड करो ना तो ज्यादा अच्छा होता है। Thank you. Piyush Goyal has raised the hand. You can unmute yourself and ask the question. Sir, I want to purchase gold mini. At which level I want to enter? Ian, if you can, you want to, sir, you want to have a positional view or? No. I am a fresh position. I am fresh entry. Yeah, you want to have a fresh entry, but you for what duration you want to hold? The question is that, sir. So you are a trader, sir. I believe you are a trader, right? I am trader. Ian. Yeah. Ian, please support. For gold mini, there's one breakout level that is 45,140. 45,140 के ऊपर अगर gold mini के prices trade करते हैं,
तो तभी बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, नहीं तो तब तक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा गोल्ड मिनी. सो 45-140 इज अ गुड लेवल टू वॉच, उसके ऊपर ही बाइंग कीजिए इसको. ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू. So with this we'll end the session, very interesting one. So I hope ye session se aapko kafi achhi jankari mili hai, kafi acha overview mila hai hamari technical team se, hamari advisory team se. So we'll continue doing this in the coming weeks also. So thanks again to each and everyone, Jigar, OPG, Ayan, all the advisory team, research team, everyone. Yes, we have got the query of sending the PPT, will definitely send that also. So till then, please stay safe, stay healthy, and bless us with this kind of participations everywhere in Commodity Gurukul as well as on the Currency Simplified also. So thank you OPG, thank you Pinkesh, and thank you. Wish you all a very happy weekend. Stay safe. Stay safe. Thank you everyone.